जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र। जो भी छात्र बीए प्रथम वर्ष में है और उनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। इस सीरीज में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये छठा पार्ट वीडियो है हमारा। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, इसमें जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यू कोर्स है। न्यू कोर्स का मतलब ये है कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, आपका पेपर 2 सेमेस्टर में होगा, पहला सेमेस्टर एवं दूसरा सेमेस्टर। पहले सेमेस्टर 6 महीने में होगा और दूसरा सेमेस्टर 6 महीने बाद होगा। ओके, तो जो आपका सिलेबस था उसके विषय में हम वीडियो जल्दी बनाएंगे और उसको आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके, तो फिलहाल इसमें कोई बदलाव है नहीं सिलेबस में, सिलेबस को हाफ हाफ कर दिया गया है और पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। तो उसके विषय में हम जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तभी हमारे अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ओके, प्रश्न संख्या 251। भोर का तारा एकांकी का नायक शेखर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुप्त साम्राज्य का एक राज्य कर्मचारी, उज्जैनी का कवि, गुप्तचर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, उज्जैनी का कवि। ओके, भोर का तारा एकांकी का नायक है शेखर है, उज्जैनी का कवि। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भोर का तारा किसने लिखा है, श्री जगदीश चंद्र माथुर जी का एक एकांकी है। इसमें का जो नायक है, नायक मतलब क्या होता है, हीरो, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हीरो, है ना। आप फिल्म देखते होंगे, पिक्चर में एक नायक होता है एक हीरो होता है, तो इसी प्रकार ये भोर के तारा का एकांकी का एक नायक है जो मेन आदमी होता है, वो कौन है, शेखर। और शेखर कौन है, उज्जैनी का एक कवि है। तो दोस्तों, ये जब भोर का तारा लिख रहा था तब इसका मित्र माधव, इसके मित्र का नाम होता है माधव, वो आ जाता है और दोनों के बीच आपस में बातचीत चलने लगती है। तो फिलहाल आप याद रखिएगा कि भोर का तारा एकांकी का नायक जो शेखर है वो उज्जैनी का एक कवि है, यानी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या। 252। भोर का तारा एकांकी में माधव है, बताना है कि भोर का तारा जो एकांकी है उसमें माधव कौन है, शेखर का मित्र, शेखर का ऑफिसर, शेखर का पिता या शेखर का भाई। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, शेखर का मित्र। भोर के तारा एकांकी में शेखर का मित्र होता है माधव। ओके, जब भोर के तारा के एकांकी जब सब कवि शेखर लिख रहा था अपने एकांकी ना, तो ये इसका मित्र माधव का आगमन होता है और तब शेखर अपनी मित्र माधव को अपनी इस रचना के विषय में सारी चीज़ें विस्तार से बताता है। ओके, किसके विषय में, भोर की तारा के विषय में। याद रखना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, शेखर का मित्र कौन है, माधव। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 253। जगदीश चंद्र माथुर की पहली एकांकी है, बताना है जगदीश चंद्र माथुर की पहली एकांकी है। 4 ऑप्शन है, बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, कबूतर खाना। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बांसुरी। बांसुरी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जानकारी के लिए हम बता दें कि सन 1936 ईस्वी में माथुर जी का पहला प्रयास एकांकी में बांसुरी ही था। ओके, सबसे पहला प्रयास बांसुरी से इन्होंने किया था जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका नाम में हुआ था। ओके, सरस्वती पत्रिका एक क्या है, पेपर है जो अखबार बिकता है, तो उसमें सबसे पहले इनका प्रकाशन हुआ था सरस्वती पत्रिका। ओके, अब तो बहुत सारे अखबार चले हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान, तो पहले सरस्वती पत्रिका चलती थी। ओके, याद रखेंगे ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 254। निम्नलिखित में जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। 4 ऑप्शन है, सीमा रेखा, सूखी डाली, भोर का तारा, स्ट्राइक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भोर का तारा। ओके, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी का नाम है भोर का तारा, यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे तो इनकी बहुत सारी एकांकियाँ हैं, जैसे ओ मेरे सपने, गगन सवारी, कबूतर खाना, भाषण, खिड़की की राह, है ना। तो ये सारी एकांकी किसकी हैं, जगदीश चंद्र माथुर की। अच्छा, सीमा रेखा किसकी एकांकी है, विष्णु प्रभाकर की,
और सूखी डाली श्री उपेंद्रनाथ अस्क। तो ये भी याद रखेगा, स्ट्राइक हम बता ही चुके हैं भुवनेश्वर प्रसाद। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी भोर का तारा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 255। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ एकांकी दिया हुआ है सूची फर्स्ट में और दूसरी तरफ एकांकीकार दिया है, यानी एकांकी के लेखक दिए। तो चार ऑप्शन है, जैसे भोर का तारा किसका एकांकी है ये आपको मिलान करना है, औरंगजेब की आखिरी रात ये किसकी एकांकी है, नए मेहमान ये किसकी एकांकी है, और सीमा रेखा ये किसकी एकांकी है। तो इसको आपको मिलान करना है। तो चलिए हम मिलान करते हैं। जैसे भोर की तारा किसका एकांकी है, जगदीश चंद्र माथुर, तो इसको हम बता ही चुके हैं, सभी बता चुके हैं, और सीमा रेखा नए मेहमान ये सब बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात ये किसकी है, राम कुमार वर्मा की, तो इसका तीन से मिला देंगे। और नए मेहमान है उदय शंकर भट्ट की, और सीमा रेखा किसकी है, विष्णु प्रभाकर की। तो इस प्रकार से करके हम मिलान कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 256। अंगुलियों आतुर तुरंत पसार खिंचते नीले पट का छोर, पंक्तियां हैं। यह हमको लग रहा है पिछले वाले वीडियो में हमने करा दिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को आ रहा होगा। ये किसकी पंक्तियां हैं ये आपको बताना है, ध्रुव स्वामी की, स्ट्राइक की, चंद्रगुप्त की, या भोर का तारा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भोर का तारा, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों भोर के तारा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माधव, तो इनका लेखक भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 257। भोर का तारा एकांकी में शेखर कौन है, ये बताना है कि भोर का तारा एकांकी में शेखर कौन है, ये हम बता चुके हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने, काशी का एक कवि, उज्जैनी का एक कवि, पाटलिपुत्र का एक कवि, या प्रयाग का एक कवि। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, उज्जैनी का एक कवि। तो शेखर के विषय में दो तीन पॉइंट आपको और याद रखना है, जैसे शेखर का मित्र का नाम होता है माधव, शेखर जो है छाया नाम की लड़की से प्रेम करता और उसका पति है, और भोर का तारा एकांकी का नायक भी है। ओके, तो ये भी तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 258। प्यार की है यह पहचान, चांदनी का पानों ये पावन स्पर्श है, पानों नहीं है ये पावन है। ओके, चांदनी का पावन स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान, यह गीत भोर का तारा नाटक में कौन गा रहा है। ओके, भोर का तारा में एक गीत है, प्यार की है यह पहचान, चांदनी का पावन स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान, तो यह गीत भोर का तारा में कौन गा रहा है ये बताना है। ओके, माधव, शेखर, छाया, आचार्य देवदत्त, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, छाया। ओके, तो ये गीत कौन गा रहा है, छाया, याद रखेंगे सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 259। भोर का तारा ग्रंथ को अग्नि की लपटों में कौन डाल देता है, भोर का तारा ग्रंथ को अग्नि की लपटों में कौन डाल देता है। चार ऑप्शन है, माधव, शेखर, छाया, कूड़ों का साया। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, शेखर। शेखर क्या है, भोर के तारा का नायक यानी प्रधान है। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि भोर के तारे ग्रंथ को फाड़ करके अग्नि की लपटों में डाल दिया और जला दिया, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 260। भोर का तारा नाटक में कौन कहता है कि तुम्हारे परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया, बताना है कि भोर का तारा नाटक में कौन कहता है, एकांकी में कौन कहता है कि तुम्हारे परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया। चार ऑप्शन है, शेखर, माधव, छाया, देवदत्त। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, माधव। देखिए माधव किससे कह रहा है ये बातें, इस शेखर से कह रहा है। शेखर से तब कहता है जब, शेखर कहाँ का रहने वाला है, उज्जैनी का एक कवि है, जब ये अपने भोर का तारा कविता में तल्लीन था, लिख रहा था भोर के तारा कविता को, तब माधव अचानक पहुँच जाता है उसके कमरे में और उस समय ये बातें उससे होती हैं। ओके, शेखर से।
करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 261, छत्रप शब्द से तात्पर्य है, बताना छत्रप शब्द से तात्पर्य है दरबारी, मंत्री, कर्मचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए दरबारी। ओके देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 262, भोर का तारा एकांकी के अनुसार स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारतवर्ष पर चढ़ाई करने वाले हूणों के सरदार का नाम था, बताना है वीरमाड़, सूर्यमाड़, गोरमाड़, तोरमाड़। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी तोरमाड़। तो डी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। भोर का तारा एकांकी के अनुसार स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारतवर्ष पर चढ़ाई करने वाले हूणों के सरदार का नाम था तोरमाड़, यानी डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 263, शेखर ने भोर का तारा महाकाव्य का क्या किया, बताना है शेखर ने भोर का तारा महाकाव्य एकांकी का क्या किया, फेंक दिया, सहेज कर रख दिया, दूसरे को दे दिया, फाड़ कर जला दिया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी फाड़ कर जला दिया। क्वेश्चन नंबर 259 में हम बता चुके हैं कि शेखर भोर के तारा नामक ग्रंथ को फाड़ कर अग्नि के लपटों में जला दिया था। ओके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 266, भोर का तारा एकांकी में उज्जैनी के सम्राट का नाम था, बताना है भोर के तारा एकांकी में उज्जैनी के सम्राट का नाम था, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी स्कंदगुप्त। ओके क्या नाम है स्कंदगुप्त, उस समय उज्जैनी का सम्राट कौन था स्कंदगुप्त, यानी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए स्कंदगुप्त के मंत्री का नाम था देवदत्त, स्कंदगुप्त के मंत्री का नाम था देवदत्त और मंत्री की बहन का नाम था छाया, यानी देवदत्त की बहन का नाम क्या था छाया, और छाया किससे प्रेम करती थी शेखर से, यानी एक तरह से बाद में उसका विवाह भी हो गया, शेखर की पत्नी का नाम भी छाया हो गया। ओके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 265, छाया के भाई का नाम है, हम बता भी दिए हैं छाया के भाई का नाम है माधव, शेखर, देवदत्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी क्या नाम है देवदत्त, छाया के भाई का नाम क्या है देवदत्त, छाया किससे प्रेम करती है शेखर से और देवदत्त कौन है स्कंदगुप्त का मंत्री, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 266, मम्मी ठाकुरायन एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए, आपकी बुक में एक एकांकी है हिंदी साहित्य में जिसका नाम है मम्मी ठाकुरायन। ओके तो इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत इंटरेस्ट एकांकी है, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, मम्मी ठाकुरायन। ओके तो चार ऑप्शन है, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माधव। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए लक्ष्मी नारायण लाल। ओके तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है लक्ष्मी नारायण लाल। ओके इनके और भी कई सारी एकांकी हैं लक्ष्मी नारायण लाल की, जैसे ताजमहल के आंसू, खेल नहीं नाटक, नाटक बहुरूपी, नाटक बहुरंगी आदि बहुत सारी एकांकी लिखे हैं। ओके करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 267, ठाकुरायन किस तरह की महिला है, बताइए मम्मी ठाकुरायन किस तरह की महिला है, टोने टोटके वाली, टोना टोटका होता नहीं है जो लोग करते हैं गांव देहात में, तो वैसी महिला है, बुरी आदत वाली है, आदर्श नारी, भारतीय आदर्श नारी, इनमें से कोई नहीं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मम्मी ठाकुरायन एक भारतीय आदर्श नारी। ओके तो यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मम्मी ठाकुरायन किस प्रकार की महिला है, भारतीय आदर्श नारी की तरह एक महिला है, क्योंकि मम्मी ठाकुरायन के बेटे का नाम होता है बहादुर, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 268, ठाकुरायन के बेटे का नाम क्या है, बताना है ठाकुरायन के बेटे का क्या नाम है,
चार ऑप्शन है बहादुर, अजय, विकास, महेंद्र। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बहादुर। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मम्मी ठाकुरान एकांकी में ठाकुरान के बेटे का नाम है बहादुर, ओके। लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 269। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताना है लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1926, 1928, 1927, 1945। बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1927, यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जो मम्मी ठाकुराइन है इन्हीं की रचना है, लक्ष्मी नारायण लाल की, ओके। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 4 मार्च 1927 ईस्वी को यूपी के बस्ती जिले जलालपुर नामक गांव में हुआ था। लक्ष्मी नारायण लाल हिंदी नाटककार, एकांकीकार एवं समीक्षक होने के साथ साथ कहानीकार एवं उपन्यासकार भी थे। साहित्य के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बावजूद भी इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि नाटककार के रूप में हुई। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 270। मम्मी ठाकुरायन एकांकी में कितने दृश्य हैं? बताना है मम्मी ठाकुरायन एकांकी में कितने दृश्य हैं? चार ऑप्शन हैं 2, 4, 3, 5। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 271। लक्ष्मी नारायण लाल के एकांकी संग्रह हैं? बताना है लक्ष्मी नारायण लाल के एकांकी संग्रह हैं कौन कौन से? ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, दूसरा दरवाजा, उपयुक्त सभी। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ये जितने भी हैं ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, दूसरा दरवाजा, ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल जी के एकांकी संग्रह का नाम है, ओके। याद रखेंगे और भी इनकी एकांकी संग्रह हैं जैसे नाटक बहुरूपी, नाटक बहुरंगी, खेल नहीं नाटक, मम्मी ठाकुराइन आदि, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 272। मम्मी ठाकुराइन एकांकी संग्रह में कुल कितने एकांकी संकलित हैं? मम्मी ठाकुराइन एकांकी संग्रह में कुल कितने एकांकी संकलित हैं? 5, 7, 11, 9। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 11। मम्मी ठाकुराइन एकांकी में कुल कितने एकांकी संकलित हैं? 11। तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 273। प्रो साहब, प्रो नहीं ये प्रोफेसर है, शॉर्ट फॉर्म में प्रो लिखा जाता है, तो प्रोफेसर साहब किस संस्कृत से प्रभावित हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए प्रोफेसर साहब जो आपके मम्मी ठाकुराइन हैं, मम्मी ठाकुराइन जो एकांकी है उनमें एक पात्र है। तो ये बताना है आपकी ये किस संस्कृत से प्रभावित हैं? नूतन संस्कृत, चार ऑप्शन हैं, नूतन संस्कृत से, विदेशी संस्कृत से, यूरोपीय संस्कृत से या पाश्चात्य संस्कृत से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पाश्चात्य संस्कृत से। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 274। मम्मी ठाकुराइन एकांकी का उद्देश्य निम्न में से है? बताना है मम्मी ठाकुराइन एकांकी का उद्देश्य निम्न में से क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अधःचरी सभ्यता खतरनाक होती है, यानी आधी सभ्यता जो होती है वो काफ़ी खतरनाक होती है। ये ऑप्शन है पढ़ लिख कर निच्छरों को जाहिल और गंवार समझ कर हे दृष्टि से देखना सभ्यता नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। और सी ऑप्शन है ये दिखाना कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा पर दुखकारिता एवं संवेदनशीलता अधिक होती है। चार ऑप्शन है डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मम्मी ठाकुराइन एकांकी का उद्देश्य यही है कि जो लोग स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा क्या करते हैं, कहते हैं कि स्त्रियां कम दुखदायी होती हैं, ये कम संवेदनशील होती हैं। तो ऐसा नहीं है, और जो लोग पढ़ लिख लेंगे दो अक्षर थोड़ा, वो अपने जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं तो उनके सामने अपना मजिस्ट्रेट बन जाएंगे, अपनी अपनी ऐसा लगाएंगे कि ये अब सारा ज्ञान दुनिया का यही ले रखे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। और आधा अधूरा ज्ञान तो जानते हैं काफ़ी खतरनाक होता है, या तो पूरा ले लीजिए या तो ना लीजिए, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी।
उपरोक्त सभी। तो यही उद्देश्य है मम्मी ठाकुरायन। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 275। मम्मी ठाकुरायन में मम्मी किसकी पत्नी हैं, अथवा मम्मी ठाकुरायन में मम्मी के पति कौन है? ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि मम्मी ठाकुरायन में मम्मी किसकी पत्नी है, या फिर मम्मी का पति कौन है, वकील, प्रोफेसर, सेनापति, क्लर्क। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोफेसर साहब। ओके, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मम्मी ठाकुरायन के पति कौन है? प्रोफेसर साहब। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 276। मुंशी जी की उम्र कितनी है? मम्मी ठाकुरायन एकांकी में मुंशी जी की उम्र कितनी है? तो जानकारी के लिए हम बता दें कि मम्मी ठाकुरायन एकांकी में एक पात्र है मुंशी जी। तो बताना है कि मुंशी जी की उम्र क्या है मम्मी ठाकुरायन एकांकी में। देखिए 75 वर्ष, 55 वर्ष और 50 वर्ष, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 50 वर्ष। ओके, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 50 वर्ष। तो मुंशी जी की उम्र कितनी है? 50 वर्ष, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 277। प्रोफेसर साहब किसके घर में किराए पर रहते हैं? बताना है प्रोफेसर साहब किसके घर में किराए पर रहते हैं? चौधरी कयामत हुसैन के घर में, खन्ना के घर में, सभासद के घर में, चेयरमैन के घर में? देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चेयरमैन के घर में, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोफेसर साहब किसके घर में किराए पर रहते हैं? चेयरमैन के घर में। तो डी आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 278। प्रोफेसर साहब का क्या नाम था, ये बताना है। प्रोफेसर साहब का क्या नाम था? बजरंगी, नौरंगी, सत्संगी, सत्यवान। जो प्रोफेसर साहब का नाम था वो था सत्संगी, यानी सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या नाम था? सत्संगी प्रोफेसर साहब। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 279। ठाकुरायन ने गंदे हाथ से बच्चे को छुआ था। ठाकुरायन कौन? मम्मी ठाकुरायन। मम्मी ठाकुरायन ने गंदे हाथ से बच्चे को छुआ था, उसको क्या हो गया था? सेप्टिक या टिटनेस, बुखार, मलेरिया, पीलिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेप्टिक या टिटनेस। क्या हो गया था? टिटनेस। तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 280। अरे वे आदमी नहीं नासूर है नासूर, वे आदमी नहीं नासूर है नासूर, यह कथन किसका है? मुंशी जी, चौधरी, बहादुर, टिकट बाबू। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा टिकट बाबू। तो क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टिकट बाबू जी प्रोफेसर साहब के परिवार को कहते हैं कि अरे वो लोग आदमी नहीं नासूर है नासूर। ओके, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसके परिवार को कहते हैं टिकट बाबू? प्रोफेसर साहब के परिवार को। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 281। किसकी जिंदगी नकल है, नाटक है, दिखावा है? मम्मी ठाकुरायन एकांकी में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जिंदगी बिल्कुल नाटक होती है, कुछ नहीं होता उसका अर्थ। तो वही पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में कि किसकी जिंदगी नकल है, नाटक है, दिखावा है एक प्रकार से। मुंशी जी, प्रोफेसर साहब, बहादुर, उपयुक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्रोफेसर साहब। ओके, प्रोफेसर साहब की जिंदगी बिल्कुल नकल है, यानी बी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 282। मम्मी ठाकुरायन कैसा एकांकी है? पात्र प्रधान, घटना प्रधान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पात्र प्रधान। ओके, तो मम्मी ठाकुरायन कैसा एकांकी है? पात्र प्रधान। तो याद रखेंगे ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपको याद रखना है, मम्मी ठाकुरायन एकांकी के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। हो सकता है आप भूल गए होंगे, याद रखिएगा। इस एकांकी में पात्र की प्रधानता है और जो परिस्थितियां हैं वो गौड़ के रूप में है। ओके, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 283। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है अभिनय,
अभिनय आ अभिनय पठनी उक्त सभी। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है अभिनय, तो ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनके और भी एकांकी हैं जैसा कि हम बता चुके हैं, ताजमहल के आंसू, नाटक बहुरूपी, नाटक बहुरंगी, खेल नहीं नाटक, मम्मी ठकुराइन, पर्वत के पीछे आदि इनकी जो है एकांकी ही है। ओके, तो याद रखेंगे ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 284। मम्मी ठकुराइन एकांकी में स्त्री पात्र है, बताना है मम्मी ठकुराइन एकांकी में स्त्री पात्र है, मम्मी ठकुराइन नीता उक्त सभी। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी उक्त सभी। ये जितने भी पात्र हैं सभी मम्मी ठकुराइन में हैं। ओके, ये तो याद रखेंगे डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 285। निम्न में से कौन सी एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल की है, बताना है निम्न में से कौन सी एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल की है, परिचय, सहार, घोड़ा, चूहा, ए और भी दोनों, भोर का तारा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और भी दोनों, यानी परिचय, सहार, घोड़ा, चूहा, ये सभी एकांकी किसकी हैं, लक्ष्मी नारायण लाल की हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 286। लक्ष्मी नारायण लाल लेखक हैं, किस काल के हैं ये बताना है। चार ऑप्शन हैं, समकालीन, प्राचीन, नवीन, इनमें से कोई नहीं। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए समकालीन, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण लाल लेखक हैं समकालीन के। अच्छा, समकालीन आपने इतिहास भी पढ़ा होगा, तो ये समकालीन का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए समकालीन का अर्थ होता है जो पिछले वाले युगों से आज के युग में कुछ मिलान हो, कुछ ऐसा लगता हो कि जो पिछला युग था और वर्तमान युग में कुछ समानता है, उसे क्या कहते हैं समकालीन। ओके, सबसे पहले ये 1989 ईस्वी में यूरोप में इसका नाम लिया गया। ओके, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया यूरोप में, कब, 1989 ईस्वी में, समकालीन का। तो याद रखेंगे ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 287। केवल तुम और हम एकांकी के लेखक हैं, केवल तुम और हम एकांकी के लेखक हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल और प्रसाद, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। ओके, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लक्ष्मी नारायण लाल। केवल तुम और हम एकांकी के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। ओके, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 288। टिकट बाबू और मुंशी जी आपके पाठ्यक्रम में संकलित किस एकांकी के पात्र हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ताजमहल के आंसू, इरवसी, मम्मी ठकुराइन, स्ट्राइक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मम्मी ठकुराइन। टिकट बाबू और मुंशी जी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं किस एकांकी में, मम्मी ठकुराइन एकांकी में। इसके लेखक का क्या नाम है आप कमेंट में बताइए। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 289। निम्नलिखित स्त्री पात्रों का सही सुमेलन कीजिए, निम्नलिखित स्त्री पात्रों का सही सुमेलन कीजिए, छाया, सुखी डाली, बेला, भोर का तारा, ठकुराइन, लक्ष्मी नारायण लाल और किरण, उपेंद्रनाथ अस्क। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठकुराइन लक्ष्मी नारायण लाल, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होना तो चाहिए मम्मी ठकुराइन, तो ठकुराइन लिखा है फिर भी हम समझ जाएंगे ठकुराइन लक्ष्मी नारायण लाल। ओके, ये प्रश्न संख्या 290। निम्नलिखित में से कौन से पात्र मम्मी ठकुराइन एकांकी में नहीं है, बहादुर, अजय टिकट बाबू, प्रोफेसर साहब मुंशी जी, खन्ना बाबू, नीता, मम्मी ठकुराइन, आलम करीम, नन्नेमल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, आलम करीम, नन्नेमल। ये जो लोग हैं ये सब मम्मी ठकुराइन में नहीं है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बहादुर, अजय टिकट बाबू, प्रोफेसर साहब मुंशी जी, खन्ना बाबू, नीता, मम्मी ठकुराइन, ये सभी लोग क्या हैं मम्मी ठकुराइन के पात्र हैं, आलम करीम, नन्हेमल ये लोग नहीं हैं, तो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 291। मैं तो डेढ़ ही महीने में उब गई इस मोहल्ले से, मैं तो डेढ़ ही महीने में उब गई इस मोहल्ले से, तंग आ गई इस गली और पड़ोस से, मम्मी ठकुराइन नाटक में किसका कथन है, नीता,
ठकुराइन, मम्मी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मम्मी। ये कौन कह रही है? मम्मी। मम्मी है, कह रही है कि मैं तो 1.5 महीने में उग गई इस मोहल्ले से, इस गली से, इस पड़ोस से, बिल्कुल तंग आ गई। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। याद रखेंगे मम्मी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 292। सुनो जी दही रबड़ी वाले, मत आया करो इधर, कोई अकल ना तमीज, रात के 9 बज रहे हैं। मम्मी ठाकुरायन नाटक में किसका कथन है? बताना है कि कौन कह रहा है दही रबड़ी वाले को कि सुनो जी दही रबड़ी वाले, मत आया करो इधर, कोई अकल नहीं है, कोई तमीज नहीं है, रात के 9 बज रहे हैं। तो बताना है कि मम्मी ठाकुरायन नाटक में ये किसका कथन है? मम्मी ठाकुरायन, प्रोफेसर ठाकुरायन, मुंशी जी। देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोफेसर साहब का। ये कौन कह रहा है? प्रोफेसर साहब। तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 293। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित है? बताना है कि कौन सा एकांकी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित है? आकाश की ऊंचाई, पर्वत के पीछे, ताजमहल के आंसू, उपयुक्त सभी। चार ऑप्शन है, बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ताजमहल के आंसू। ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित है, तो सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 294। जब यहाँ के मर्दों को इतनी तमीज नहीं है तो ये तो बच्चे हैं, क्यों ना ऐसे हों, उपयुक्त कथन किसका है? ठकुराइन, मम्मी, प्रोफेसर, टिकट बाबू। ये कथन है आपका मम्मी। ओके, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कथन किसका है? मम्मी का। तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 295। टिकट बाबू का नाम है, टिकट बाबू का क्या नाम है? जुगल बिहारी, श्याम बिहारी, छैल बिहारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है टिकट बाबू का क्या नाम होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी छैल बिहारी। क्या नाम होता है? छैल बिहारी। टिकट बाबू ठाकुर छैल बिहारी सिंह इनका पूरा नाम है, तो याद रखेंगे सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 296। शकुंतला किसकी बेटी है? बताना है शकुंतला किसकी बेटी है? मम्मी, सरला, ठकुराइन, खन्ना बाबू। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ठकुराइन का। ठकुराइन की बेटी का क्या नाम होता है? शकुंतला। याद रखेंगे सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सरला के बच्चे होने पर ढोलक लेकर गीत गाकर प्रसन्नता कौन व्यक्त करती है? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, मम्मी, नीता, शकुंतला, ठकुराइन। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ठकुराइन, यानी डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखेंगे संख्या 298। किसके बीमार होने पर मम्मी रात भर बैठी रहती थी? बताना है किसके बीमार होने पर मम्मी रात भर बैठी रहती थी? चार ऑप्शन है, अजय, विजय, शकुंतला, बहादुर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शकुंतला, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो किसके बीमार होने पर मम्मी रात भर बैठी रहती थी? शकुंतला। ओके, शकुंतला कौन है? ठकुराइन की बेटी। याद रखेंगे तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, मम्मी खुद किसको लेकर कहाँ के अस्पताल में गई थी? बताना है कि मम्मी खुद किसको लेकर कहाँ के अस्पताल में गई थी? मेरठ, लखनऊ, उज्जैन, मुरादाबाद। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुरादाबाद। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, संख्या 300। जन्मे हैं कुंवर कन्हैया, अवध में बाजे बधैया, यह गीत डॉक्टर के किस नाटक का है? बताना है जन्मे हैं कुंवर कन्हैया, अवध में बाजे बधैया, यह गीत डॉक्टर कौन? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक का है? ये बताना है। चार ऑप्शन है, नई इमारतें, औलादी का बेटा, मम्मी ठकुराइन, गांव का ईश्वर। देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, गांव का ईश्वर। तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखना ना भूलें। और हाँ, जो भी डाउट हो
आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।